नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। ग्राहक को लेकर के दो दुकानदारों में चली तलवारबाजी, जो सीसीटीवी कैमरे में लाइव कैद हो गई। पुलिस के सामने दुकानदार जमकर एक दूसरे पर करते रहे हमला, केस दर्ज। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। फतेहाबाद के गांव बहलपुर में ग्राहक को लेकर के दो दुकानदारों के बीच में तलवार चल पड़ी। एक दूसरे पर दुकानदारों ने तलवारों से हमला किया। तलवारों से हमले की सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो चुकी है। वहीं दोनों दुकानदारों को चोटें भी आई है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और स्थिति को काबू कर लिया। पुलिस के सामने ही दोनों दुकानदार आपस में लड़ते नजर आए और एक दूसरे पर तलवारें भी निकाली। पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। इस मौके पर डीवीसी ने कहा है कि दोनों पक्षों के दुकानदारों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। दोनों दुकानदारों के बीच रंजिश चली। पूरी घटना के बाद जांच की जाएगी और गिरफ्तारी भी होगी। जिसके दुकानदार में घुसकर हमला किया गया, उस दुकानदार ने लगाया है पुलिस पर नाजायज केस दर्ज करने का आरोप, जिसके लिए उसने SP से मिलकर न्याय की मांग की है। मोहित का आरोप है कि पुलिस ने मेरे खिलाफ जानबूझकर झूठा मुकदमा दर्ज किया है। उसका कहना है कि मैं अपनी दुकान पर मौजूद था और उसके पड़ोसी दुकानदार ने उस पर आकर तलवारों से हमला किया और अब पुलिस ने ही मेरे ही खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मोहित कुमार ने बताया कि मैंने SP को शिकायत देकर न्याय की मांग की है। उसने बताया कि मोहित ने मांग की है कि पुलिस द्वारा उसके खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है उसमें उसे न्याय मिले और आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्या पूरा मामला था जी, किसने आपके चोट मारी? प्रताप सिंह का भाई, प्रताप सिंह की घरवाली, 3-4 अन्य लोग थे, आए दुकान में, मेरे तलवार से हमला किया और मेरे को पीटने लगे। अब मैं कई दिनों से चक्कर काट रहा हूँ, मेरे को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। मेरे को न्याय मिलना चाहिए और मेरा मुकदमा रद्द होना चाहिए। किस लिए आपके साथ ये झगड़ा हुआ? क्या इसने शराब पी रखी थी, नशे में था, इसने आगे मेरे साथ झगड़ा किया, तलवार चलाई मेरे ऊपर। ये पहले भी 3-4 बार झगड़े कर चुका है, पहले भी मेरा राजीनामा हो चुका है, ये बार बार राजीनामा, पहले भी SP साहब को मैं दरखास्त दे चुका हूँ, वो मेरे पास है और ये किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं करता, बस नजायज का सख्त काम करता हमारे साथ। तो किस बात, कोई वजह भी होगी किसी लिए आपके साथ झगड़ा किया इसने? ये बराबर में मेरी दुकान चलाता, हम भी दुकान चलाते हैं, इस जो ग्राहक आता है उसको बुलाता है, मेरे पास मेरी दुकान में क्यों नहीं आता, उसकी दुकान में क्यों जाता है, हमारे पास आया, उसकी वजह से ग्राहकों से भी झगड़ा करता है और हमारे साथ भी झगड़ा करता है। तो कब की ये घटना है आपके साथ, कब मार पिटाई हुई है? ये 2 तारीख की रात को 9:30 बजे की, उससे पहले 15 दिन पहले भी ये घटना कर चुका है, जिसकी मैंने SP साहब को दरखास्त दी थी। तो फिलहाल क्या हुआ आपके साथ? फिलहाल मेरे साथ अब बहुत धक्का हुआ है, मेरे साथ ही पिटाई हुई है और मेरे ऊपर ही मुकदमा दर्ज किया गया, पुलिस वालों दर्ज किया है, अब मेरे को न्याय मिलना चाहिए। तो किसने पिटाई करी और किससे पिटाई करी आपकी? तलवार के साथ मेरे साथ हमला किया, पुलिस की मौजूदगी, पुलिस वहाँ मौके पे थी, पुलिस के सामने मेरे ऊपर हमला हुआ है। तो आपने पुलिस को शिकायत करी इस मामले में? शिकायत करी थी मैं पुलिस ने शिकायत करी थी, इन्होंने पुलिस ने तो मेरे ऊपर भी मुकदमा दर्ज कर लिया, साथ में पुलिस के साथ मिलजुल के मेरे को धमका रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ का ये पूरा मामला है? ये पूरा मामला गाँव बैवलपुर का है, चौकी हंसपुर लगती है। तो आपकी क्या मांग है? मेरी यही मांग है, मेरे को न्याय मिले, मेरा मुकदमा रद्द किया जाए, जो ये अपराधी हैं इन पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनकी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो आपके पास कोई फुटेज भी है इसकी? इसके पास मेरी CCTV, मेरे पास 5-6 फुटेज है, वीडियो भी है, सब कुछ है मेरे पास, इसके अंदर सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसने मेरी LCD भी तोड़ी, काउंटर पर तलवार से, नंगी तलवार से वार किए, वो भी है, जो पुलिस के सामने इन्होंने पीटा है वो भी वीडियो है, जो पत्थरबाजी कर रहे हैं वो भी वीडियो, सब कुछ है। ये मामला ऐसे है कि दुकान है और उसके अंदर जो है ना प्रताप कृपाण लेकर आया था और उसके अंदर जो है ना तोड़ मारने के नीयत से आया था, वो उसके अंदर इसने दुकान के अंदर तोड़ फोड़ कर दी, जिस पर इसके खिलाफ जो है थाना सदर में अभियोग अंकित किया गया और जो है कानूनी कार्रवाई की। तो मैं कोई आपसे इनका घरेलू मसले को लेकर एक दूसरे को, तो क्या क्या कार्रवाई की गई है सर? FIR दर्ज करके और जो भी आगे कानूनी कार्रवाई की जाए। दोनों पक्षों के खिलाफ हुई है सर? दोनों पक्षों के खिलाफ। दूसरे पक्ष पे क्या आरोप है सर? दूसरे पक्ष पे ये है कि ये जो है ना मेरी दुकान पे आया ना जान से मारने की धमकी दी, आता पाई की और चोटें। गिरफ्तारी हो पाई है सर अभी तक? गिरफ्तार नहीं है, प्रयास जारी है।